केवल उन लोगों की आयु नहीं हरती है जो अपना समय जो है हरि कथा सुनने में बिताते हैं, यानी उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे बोल रहे हैं प्रभु जी, आपके बाल तो सफेद हो गए, आपके तो बाल ही नहीं है, ये काल का प्रभाव नहीं है। किसी की आंखें लग गई, आंखें चश्मे लग गए हैं, मोटे मोटे शीशे लग गए हैं, ये काल का प्रभाव नहीं है। किसी के दांत हिल रहे हैं, किसी की आंतें हिल रही हैं, किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द है पीठ में। यहां कई भक्त हैं बेचारे बैठे हुए बैक पेन लेके बैठे, आप में से कितने लोगों को बैक पेन, हाथ खड़ा करिए अभी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आयुर हरती वही पुमसा। तो फिर क्या कहा जाए, आप कैसे कह रहे हैं प्रभु जी काल का प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो हरि कथा सुन रहे हैं, तो भागवत सुन रहे हैं, भविष्य इनका उज्ज्वल है। केवल इस जीवन के लिए एक बार बैक पेन तो होगा, कुछ तो मोल चुका के जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सस्ते में छूट जाएंगे हम लोग। तो वो जब मोल का चुकता जब हो जाएगा तो फिर अगला जीवन आपका बढ़िया है, फिर अगले जीवन में कोई बैक पेन नहीं है, फिर कोई चश्मा नहीं लगेगा वहां। आध्यात्मिक जगत में देखिए आप, गोलोक वृंदावन में देखिए, ब्रज गोकुल में देखिए, या जंगल में देखिए, कोई जानवर पशु पक्षी किसी ने चश्मा पहना है, या कि गोपियां हैं या ब्रज के सखा हैं, या फिर वहां के गाय बैल पशु पक्षी हैं, या हिरण है या मोर है, या चैतन्य महाप्रभु के साथ जितने सारे भक्त नाच रहे हैं गा रहे हैं, किसी ने चश्मा पहना है? वहां काल का प्रभाव है ही नहीं।